क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद का तो अच्छे होंगे। आगे हम एक और वीडियो के साथ स्माइली एडिटिंग के, और ये हमारा पार्ट टू है। पिछली वीडियो में मैं तुम्हें अच्छे से कुछ समझा नहीं पाया था। इस वीडियो में मैं तुम्हें स्ट्रक्चर वाइज सिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने वो किया था, और इस बार हम लोग दूसरे ऐप पर ट्राई करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा एप्लीकेशन फैंटास्टिक फेस, जिसको हम लोग अभी मूड करेंगे। और लोड हो जा। हाँ, तो ये कुछ इस टाइप का है। देखो, कट कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग जाएंगे, यहाँ पर हमें गेट प्रीमियम वर्जन और अपग्रेड का ऑप्शन मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पर लेकर के आएगा, जो 3 डे फ्री ट्रायल देगा और 1 ईयर का है। तो इस टाइप से ये है, ठीक है। अब हम लोग को इसको क्या करना है, बाईपास करना है और प्रीमियम लेना है। प्रीमियम लेने के लिए हमें यहाँ पर पहले लेआउट को समझना पड़ेगा। कुछ एक कीवर्ड हमें ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहला काम होता है किसी ऐप को मोड करने का, कि उस कीवर्ड को हमें पहचानना है जिसके थ्रू हम लोग उसके कोड में जाएंगे, जिसको क्या कहते हैं, जो हमें चाहिए। मतलब जैसे हमें प्रीमियम चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर एक कीवर्ड मिल गया, गेट द प्रीमियम। अब इस कीवर्ड के थ्रू हम लोग सर्च करके उस जगह में जा सकते हैं जहाँ पर ये अपग्रेड करने का कोड है। तो हम लोग सिंपल से बैक हो जाएंगे, यहाँ पर प्रीमियम देख लिया हम लोगों ने, यही हम लोग यूज़ करेंगे। एम्प्टी मैनेजर ओपन करते हैं। एम्प्टी मैनेजर ओपन करने के बाद यहाँ पर जा करके हम लोग एप्लीकेशन जो भी अब जो ऐप है हमारा, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट एपीके लोकेट करते हैं, इसको व्यू करेंगे। अब जो प्रीमियम है वो हमें ये नहीं पता कि डेक्स में है या ARSC में है। तो हमें ARSC से पहले, ARSC जो होता है रिसोर्सेस फाइल है, उसके अंदर जाना है। वहाँ से हमें उस कीवर्ड को उठाना है, फिर उसके ID को कॉपी करके लेकर के आना। ये पहला स्टेप है कि हमें जा करके एक कीवर्ड ढूंढना है। दूसरा स्टेप, हमें रिसोर्सेस में चले जाना है, उसके बाद यहाँ पर जा करके उसी कीवर्ड को सर्च कर देना है और पता करना है कौन सा वर्ड वर्जन हमारे लिए सही रहेगा। अब देखो यहाँ पर 3 4 बहुत सारे आ गए हैं कीवर्ड उसको रिलेटेड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर है फ्री टाइम्स हैव रन आउट प्रीमियम वर्जन फॉर अनलिमिटेड। इस तरह से फिर यू गेट गेट द इन नेट द प्रीमियम वर्जन, ये भी है। यहाँ पे देखो प्रीमियम वर्जन, तो ये डायरेक्ट प्रीमियम वर्जन हो गया। ये ज़्यादा काम का लग रहा है। तो हमें क्या करना है, इसकी ID को इस तरह से कॉपी कर लेना है। देख लो अच्छे से, ये वाला प्रीमियम होने के बाद जब, जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। अबे यार, काफी स्लो मोशन में लोड होता है यार ये। हाँ, जैसे यहाँ पर लिखा है गेट द प्रीमियम। अब प्रीमियम लेने के बाद यहाँ पे हो जाएगा प्रीमियम वर्जन, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करेगा। तो हम लोग यहाँ पर ये वाला जो है कॉपी कर लेंगे, स्ट्रिंग का जो ID है इसको कॉपी करने के बाद ये ID हमें सर्च करनी पड़ेगी हमारे क्लासेस डॉट टेक्स्ट फाइल में। डेक्सटर प्लस के थ्रू हम लोग इसको ओपन करेंगे। ये हो गया हमारा स्टेप 3। पहला स्टेप था कीवर्ड ढूंढना, दूसरा स्टेप था उस कीवर्ड को हमें रिसोर्सेस फाइल के अंदर में सर्च करना, उसके बाद उसकी ID कॉपी करके। थर्ड स्टेज है हमारा कि हमें इसको सर्च करना है। फिल्टर में चले जाते हैं। तो ये स्ट्रिंग है तो इसको फिल्टर में नहीं करेंगे, हम लोगों को इंटीजर में सर्च करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर सर्च में जाकर के इसको पेस्ट कर देंगे, और इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे इंटीजर, और ये हैक्स वगैरह चालू रहेगा। तो इसको इस तरह से सर्च कर देंगे। तो हमें यहाँ पे एक मिल गया है, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। अब हमें इसके आसपास चेक करना है कि हम लोग इसको किस तरह से मोड कर सकें। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि ये एम सेटिंग प्रीमियम है हमारा, यहाँ पर यूज़ हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर कोई बुलियन वगैरह नहीं दिख रहा है। यहाँ ऊपर में एक बुलियन है जो कि इस जगह में H के पास, दैट यहाँ पर देखो जो मेथड ये वर्ड रिटर्न कर रहा है। तो ये वाला मेथड हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। देख लो यहाँ पर लास्ट में V है, यानी कि है वर्ड रिटर्न कर रहा है, तो हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें ये पता करना है आखिर ये मेथड यूज़ कहाँ पे हुआ है, जहाँ पर ये लेआउट हमारा चालू होता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा, पहले इस पर क्लिक करना है, इसको प्रेस करके रखना है, उसके बाद फाइंड यूजर्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमें 2 यूजर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले वाला यूज़र हम लोग चेक करेंगे, इनवोक डायरेक्ट वाला। यहाँ पर देख लो, तो ये हमारा वर्ड रिटर्न कर रहा है, इसका यूज़ शायद हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऊपर चले जाते हैं एक बार, इसको चेक करते हैं, ये भी हमारा वर्ड ही रिटर्न कर रहा है। तो इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। कैसे मोड करें भाई इसको, यहाँ I से इंटीजर हो रहा है, इसको छोड़ देते हैं, फर्स्ट वाले में ही जाते हैं। इसके ऊपर जो एक वर्क हुआ है, यहाँ पर देखो C वाला, यहाँ पर बुलियन वर्क का यूज़ हुआ है। तो हम लोग इसके अंदर चले जाएंगे,
प्रेस करके रखते हैं और गो टू करेंगे, ठीक है। जेड यानी बुलियन होता है, बुलियन यानी ट्रू और फॉल्स। तो अगर ये ट्रू और फॉल्स है तो वो पता चलेगा प्रीमियम है या नहीं है। तो इस पर हम लोग चले जाते हैं इस तरह से गो टू करके, और यहाँ पर ये देखो हमें मिल गया। अब ये प्रीमियम कब होगा, यहाँ कुछ कंडीशंस वगैरह देख लो। ये हमारा मेथड है प्रीमियम, ठीक है। उसके बाद ये वर्ड रिटर्न करेगा, और ये रहा हमारा पब्लिक मेथड जो कि बुलियन रिटर्न कर रहा है यानी ट्रू और फॉल्स। अब ये नॉट इक्वल टू जीरो, अब अगर वी ज़ीरो जो है उस वो जीरो के बराबर नहीं हुआ तो वो कंडीशन एफ में जाएगा। कंडीशन एफ क्या है हमारा, ये यानी कि नॉट प्रीमियम, ठीक है, समझ लो। अगर वी ज़ीरो इक्वल टू नॉट जीरो है तो फिर वो कंडीशन हो जाएगा हमारा, कंडीशन एफ में चला जाएगा। और कंडीशन एफ है हमारा कहाँ पे, कहाँ चल गया, कंडीशन एफ प्रेस करके रखते हैं इसको, देखो ये है कंडीशन एफ। अगर वो जीरो नहीं होगा तो ये कंडीशन एफ है यानी कि प्रीमियम, ठीक है। यहाँ पर जो है इफ नॉट इक्वल टू जीरो, जो वी जीरो है तो वो हमारा चल जाएगा कंडीशन एफ यानी कि ये यानी कि प्रीमियम। और अगर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ अगर नॉट है ना, देखो एनी क्यू की जगह अगर हम लोग यहाँ पर ई क्यू जेड भी लगा देंगे इस तरह से, ई क्यू जेड, तब भी ये प्रीमियम हो जाएगा। लेकिन हम लोग वो नहीं करेंगे, ये तो लंबा है, उतना कौन करेगा। ये बस मैंने तुम्हें दिखाने के लिए बोला, एनी क्यू की जगह ई क्यू जेड भी लगा देंगे तब भी प्रीमियम हो जाएगा। लेकिन अगर ये इक्वल टू जीरो रहेगा, ठीक है, अगर ये इक्वल टू जीरो है वीजो, तो कंडीशन डी में जाएगा। कंडीशन डी है हमारा नॉट प्रीमियम, तो हमारा तो अभी इक्वल टू जीरो है। तो अगर हम लोग उतनी नहीं करेंगे, यहाँ पर सिंपल से वन लगा देंगे और ये हमारा प्रीमियम हो जाएगा। मैं समझा नहीं पा रहा, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए। देखो अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो वो कंडीशन एफ में जाएगा यानी प्रीमियम, ठीक है। और अगर ये इक्वल टू जीरो है तो कंडीशन डी में जाएगा यानी कि नॉट प्रीमियम। तो अगर हम लोग तो ये प्रीमियम नहीं है तो ये चला जाएगा हमारा कंडीशन डी में। अगर हम लोग कंडीशन डी को जो कॉन्स्ट फोर है उसको ट्रू फॉल्स से ट्रू कर देंगे वन लगा करके, तो वो भी प्रीमियम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग जो कंडीशन डी है उसको अगर हम लोग फॉल्स से ट्रू कर देंगे यहाँ पर, तो फिर वो भी प्रीमियम हो जाएगा। या तो हम लोग इस जगह को जो है नॉट इक्वल टू जीरो, इसको अगर हम लोग इक्वल टू वन जीरो कर देंगे तो ये कंडीशन एफ में चला जाएगा और वो भी प्रीमियम हो जाएगा। तो ये दो तरीके से हम लोग इसको मोड कर सकते हैं। तो पहला हमारा था, चलो इसको सेव करते करते बताएंगे। पहला हमारा था कीवर्ड को ढूंढना, सेकंड काम था हमारा उसको उस कीवर्ड को एआरएससी एडिटर के अंदर सर्च करना, थर्ड काम था हमारा एआरएससी एडिटर से आईडी कॉपी करके उसको ला करके अपने क्या कहते हैं यहाँ इंटीजर के थ्रू यहाँ पर सर्च करना अपने टेक्स्ट फाइल के अंदर में। उसको सर्च करने के बाद उसका मेथड जो है वो कहाँ पे यूज़ हुआ है वो पता करना। उसके बाद वहाँ पे चेक करना ई क्यू जेड और नॉट इक्वल टू इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू कंडीशन वगैरह है, बुलियन वगैरह है, बुलियन चेक करके उसको ट्रू और फॉल्स करना। अगर वो ट्रू है तो प्रीमियम है और फॉल्स है तो प्रीमियम नहीं है। जीरो यानी कि ट्रू, जीरो यानी कि फॉल्स होता है, वन यानी ट्रू होता है। तो हम लोगों ने उसको वन किया तो ये हमारा मोड होकर के प्रीमियम हो चुका है। अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, पुराना वाला इंस्टॉल हुआ, अभी न्यू वाला इंस्टॉल हो रहा है, देख लेते हैं प्रीमियम हुआ है या नहीं हुआ। तो ये इस टाइप का आ सकता है, उससे कोई टेंशन नहीं है। इंस्टॉल एनीवे पे क्लिक करके हम लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ओपन करते हैं, और मुझे ये नहीं पता ये वीडियो मैं तुम्हें समझा पाया कि नहीं। इसके बाद मैं और भी वीडियो लाऊंगा तो आई होप तुम्हें उसमें समझ में आ जाएगा इस्तेमाली। और यहाँ पर जा करके देख सकते हैं, देखो प्रीमियम वर्जन पहले हमारा था यहाँ पर गेट प्रीमियम वर्जन अपग्रेड का था, अब ये प्रीमियम वर्जन आ रहा है क्योंकि अब हम लोग सारे प्रीमियम फीचर्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एप्लीकेशन का प्रीमियम मोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी हैकिंग, हैप्पी कोडिंग।